माय डियर स्टूडेंट्स, आज के स्टूडियो में बात करने वाली हैं अल्कोहल के विरचन की दो विधियां लिखिए तथा तीन रासायनिक गुणधर्म दीजिए एवं रासायनिक समीकरण लिखिए। या फिर पूछ सकता है कि प्राथमिक एमीन एवं एल्कीन से प्राथमिक अल्कोहल के विरचन के रासायनिक समीकरण लिखिए। एसिटिक क्लोराइड और एसिटिक अम्ल के साथ प्राथमिक अल्कोहल की अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी लिखिए। देखिए, कई प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है कि अल्कोहल के प्रमुख उपयोग लिखिए, तो आज इसी पर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए आंसर में आपको बोर्ड में जो आपकी कॉपी में लिखी तो उसमें आंसर इसका किस प्रकार से लिखना है अल्कोहल के बारे में। तो नंबर एक पर दिया गया है एथिल अमीन से एथिल अल्कोहल का निर्माण कैसे होता है। तो दोस्तों लिखना है इसमें एथिल अमीन को नाइट्रस अम्ल यानी कि जिसका फार्मूला है HNO2 के साथ अभिकृत करने पर एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है मित्रों। अब ये रहा दोस्तों इसका रासायनिक समीकरण C2H5NH2 जिसे एथिल एमीन के नाम से आप लोग जानते हैं प्लस HNO2। जब एट इज इक्वल टू बनाएंगे तब क्या बनेगा आपका C2H5OH प्लस H2O प्लस N2 और इसको क्या कहते हैं एथिल अल्कोहल। अब सेकंड नंबर पर देखो ये दिया गया है एसिटिलीन से एथिल अल्कोहल का निर्माण। तो इसमें आपको क्या लिखना है एसिटिलीन को 20% तनु H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 333 केल्विन पर 1% HgSO4 की उपस्थिति में अभिकृत करने पर एसिटाइल्डिहाइड प्राप्त होता है जिसका H2 द्वारा Ni की उपस्थिति में 413 केल्विन पर अपचयन से एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। अब देखिए इसको किस प्रकार से बनाते हैं। अब ये रहा इसका देखिए फार्मूला यानी कि समीकरण HC CH+H2O फिर इसको 20% तन H2SO4 और 1% HgSO4 333 केल्विन पर जब इसको गर्म करते हैं तब क्या बनता है CH3CHO यानी कि H2 आपका ऊपर हो जाएगा और इट इज इक्वल टू नीचे अगर Ni होना चाहिए 413 केल्विन तब बनेगा CH3CH2OH। अब थर्ड नंबर दिया गया है एल्कीन से प्राथमिक अल्कोहल का निर्माण। अब देखिए कैसे बनाते हैं R सिंगल बॉन्ड CH फिर डबल बॉन्ड CH2 प्लस B2H6 जब इसको शुष्क ईथर में गर्म करेंगे तब क्या बनेगा 2RCH2 सिंगल बॉन्ड CH2 होल थ्राइज 3B यानी कि ट्राई एल्किल बोरेन। अब देखिए यहाँ पर बनता है आपका ट्राई एल्किल बोरेन। अब देखिए यहाँ पर इसका जस्ट नीचे समीकरण दिया गया है और लास्ट में बन गया है आपका एथिल अल्कोहल। अब बात करते हैं इसके रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। तो नंबर एक पर दिया गया है एसिटिक अम्ल और इसका फार्मूला होता है CH3COOH। अब देखिए कैसे बनेगा अल्कोहल सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल या अन्य कार्बोऑक्सिलिक अम्लों से क्रिया करके एस्टर बनाते हैं और एस्टर के निर्माण यही क्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। तो देखिए इसका रासायनिक समीकरण क्या है CH3CH2OH प्लस HOOCCH3 सांद्र H2SO4 को उपस्थिति में गर्म करने पर बनता है आपका CH3COOC2H5 यानी कि एथिल एसीटेट यानी जिसे एस्टर के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर है एसिटिल क्लोराइड जिसका फार्मूला है CH3COCl से क्रिया और एस्टर बन जाता है। इसका रासायनिक समीकरण क्या है CH3COCl प्लस CH3CH2OH यानी कि पिरीडीन की उपस्थिति में क्या बनेगा CH3COOC2H5 प्लस HCl यानी जिसे एथिल एसीटेट के नाम से जाना जाता है। थर्ड नंबर पर दिया गया है RCOOH से अभिक्रिया जब करेंगे तब एस्टर बनता है और किस प्रकार से रिएक्शन दिया गया है RCOOH प्लस C2H5OH इट इज इक्वल टू RCOOC2H5 प्लस जल यानी H2O। अब फोर्थ नंबर पर दिया गया है HX से अभिक्रिया जब करेंगे तब एल्किल हैलाइड बनता है। इसका समीकरण देखिए क्या लिखा गया है C2H5OH प्लस HX और निर्जल ZnCl2 के साथ गर्म करने पर C2H5 सिंगल बॉन्ड X प्लस H2O यानी जल बनता है। अब पांचवा नंबर पर देखिए दिया गया है क्षारीय I2 से अभिक्रिया यानी कि आयरन से। तो जब इसको I2 से अभिक्रिया करेंगे तब क्या बनेगा आयोडो फार्म यानी कि CH3CH2OH प्लस 4I2 प्लस 6NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इट इज इक्वल टू क्या बनेगा CHI3 और नीचे की ओर जब क्रिया करेगा तब क्या बन जाएगा आपका आयोडो फार्म प्लस 5NaI प्लस HCOONa यानी कि सोडियम फार्मेट जिसे कहते हैं प्लस 5H2O। अब बात करते हैं अल्कोहल का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो इसका उपयोग भी देख लीजिए नंबर एक स्पिरिट बनाने में, नंबर दो पेय पदार्थों के रूप में, नंबर तीन विलायक के रूप में, नंबर चार ईंधन के रूप में। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त लगा होगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स ऑल ऑफ यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।